In previous class, we had completed two questions. Okay, first is what do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? आपके एरिया में किसी कई लोगों को बीज क्या करती हैं, डंक मार देती हैं, ठीक है? क्यों मारती हैं? छेड़छाड़ करते हैं लोग बाग या कुछ भी हमको परेशान करते हैं तो इस तरह से काट लेती हैं वो. सेकंड थर्ड, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी बी इन योर नोटबुक. और बहुत से बच्चों ने हनी बीज, बटरफ्लाई, इन सब की नोटबुक में हमको अपना वर्क भेजा है, होमवर्क वर्क किया है जिन बच्चों ने, उन्होंने भेजा है और हम सभी से बोल रहे हैं आप सभी वर्क करिए. ओके, ठीक है, जो आप कर सकते हो इजी वे पे आपके पास. मैम हाँ, आपको वर्क करके आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करिए, ठीक है? नेक्स्ट था, अब नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके ओके, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर्स इन फेब्रुअरी. जो लीची के ट्री होते हैं उनमें फ्लावर्स आते हैं फेब्रुअरी में, फरवरी के मंथ में, महीने में फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं. आई पुट ऑल माई फोर बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड. लीची के बाग में किसने, अनीता ने सारे अपने कितने बॉक्स खरीदे थे उसने? चार बॉक्स खरीदे थे. यस अनन्या, टेल मी. अनन्या टेल मी, अनम्यूट योर साउंड फर्स्ट. बेटा अनम्यूट करिए साउंड को. बेटा आपका आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए. गौरी पांडे आप भी रेज कर रहे हो हैंड, आप लोग अनम्यूट करके बात करिए. आप लोग अनन्या आपके पहले अनम्यूट करिए आप. मैम स्टंग पानी क्या होता है? स्टंग मींस डंक मार देना, बीज जो डंक मार देती है, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम. ठीक है, नेक्स्ट इज लीची और चैट में फेब्रुअरी के मंथ में फ्लावर्स आते हैं और अनीता ने कितने बॉक्स खरीदे थे? फोर बॉक्स खरीदे थे. पहले उसने दो बॉक्स खरीदे थे, फिर बाद में उसके पास बहुत सारी बीज आने लगी थी इसलिए उसने टू बॉक्स और खरीदे थे, ठीक है? तो उसके फोर बॉक्स हो गए थे. उसने अपने फोर बॉक्सेस को कहाँ रख दिया था? लीची के बाग में रख दिया था, लीची ऑर्चर्ड में, ठीक है, लीची के बाग में. आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्सेस. और उसने 12 किलोग्राम ऑफ हनी यानी कि एक बॉक्स से 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम हनी उसको शहद मिला एक बॉक्स से, ठीक है? आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. और उसने फिर क्या किया, उसको कलेक्ट करके मार्केट में बेच दिया. दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज. उसको वो मधुमक्खी पालन जो उसने कहा बिजनेस किया था उससे उसकी वो फर्स्ट अर्निंग थी, ठीक है, पहली कमाई थी. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस. अब उसके पास कितने बॉक्सेस हो गए हैं? 20. जब उसने वो अपना वर्क कंटिन्यू किया, उसको बेनिफिट हुआ, तो उसके पास अब आज के समय में उसके पास 20 बॉक्सेस हैं. ओके, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज बॉक्सेस? अनीताज बॉक्सेस की अब कॉस्ट कितनी हो गई है? अभी हम ब्लैक बोर्ड पे आपको बताते हैं. अनीता ने कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स कितने थी? 2000 रुपीज. ओके, नाउ अनीता हैव 20 बॉक्सेस. अब अनीता के पास कितने बॉक्सेस हैं? तो कॉस्ट दिख रहा है
क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस. तो 20 बॉक्स कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स था 2000 रुपीस का. अब 20 बॉक्सेस की कीमत क्या होगी 2000 मल्टीप्लिकेशन 20 तो आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीस 40,000 रुपए. ओके अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे. जहाँ पर अनीता रहती थी वो अब कॉलेज जाने लगी. पहले वो स्कूल जाती थी अब वो बड़ी होती गई तो अब वो कॉलेज जाने लगी है. साइकिल से वो कॉलेज जाती है और उसका कॉलेज जो है वो 5 किलोमीटर दूर है. ठीक है. व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप ऑफ द बीज. और अब उनके पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं. तो जब वो कॉलेज जाने लगी है तो जब तक वो कॉलेज में रहती है तो उसकी मदर क्या करती है सुगर सिरप बनाती है मधुमक्खियों के लिए. माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस. और उनके पिता क्या करते हैं कि बीज की देखभाल करते हैं और उनके बॉक्सेस से जब हनी बन जाता है तो वो उनके बॉक्सेस से हनी निकालते हैं. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता. अब तक हम लोग ने अनीता के बारे में और भी जान लिया है. अब और जानते हैं. अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. अब उस गांव के आसपास जितने गांव थे तो अनीता के वर्क से इतना अप्रिशिएशन उसको मिला कि उसके जो आसपास के गांव की तरफ गांव के पास और आसपास गांव थे उसमें भी अनीता को पहचानने लगे थे लोग. उसको मतलब वो फेमस हो गई थी. सी गोज टू ऑल द प्लेस मीटिंग्स एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी. और वो गांव-गांव जाने लगी थी सभी लोगों से. वहाँ गांव में जाके मीटिंग करती थी लोगों से मिलती थी. आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना यहाँ अनीता खड़ी है और यहाँ पर गाँव के लोगों से मीटिंग कर रही है वो. और वो बता रही है हर एक व्यक्ति के लिए स्टडी यानी कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट होती है. कितना हमारे जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है. ठीक है. समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर. कभी कभी हमारे काम से क्या होता है बहुत से लोग ना खुश होते हैं तो वो क्या करते हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं ना. जब किसी को जैसे हम कोई काम करते हैं और हमें वो काम अच्छा लग रहा है लेकिन अगले इंसान को वो काम अच्छा नहीं लगता है तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं. ठीक है. तो उसी तरह कुछ लोग अनीता के लिए भी उसका मजाक उड़ाते थे. बट अनीता नोज व्हाट सी वांट टू डू. सी डज एग्जैक्टली व्हाट सी वांट टू डू. और अनीता लेकिन इसको अनीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या काम कर रही है और वो क्या काम करना चाहती है. तो एग्जैक्टली वो वही काम करती थी. ठीक है. अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. Anita wants to become a wholesaler banna chahti thi. Theek hai. So that she can help the villagers to get the right price for their money. And then what is wholesaler kya hote hain blackboard pe hum aapko likh rahe hain. Buys large
मैम राइट करना है। आपको अपने बुक पे नोट कर लेना, ठीक है? डोंट राइट। सबसे पहले जो हेड होती है वो कौन होती है?
हनी क्वीन भी होती है, यानी कि इसमें रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, जिसका काम होता है अंडे देने का, ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द अयांश केशरवानी, आपको कुछ क्यूरीज करनी है, म्यूट म्यूट करिए, अनम्यूट करिए साउंड। अपना आपका साउंड अनम्यूट कर दीजिए। बोलिए आया, होल सेलर मतलब क्या होता है? बताया तो था, होल सेलर, होल सेलर बहुत सारी चीजें एक बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं। कोई भी जो भी उनको चीज बेचनी होती है तो वो अपनी एक लार्ज क्वांटिटी में अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं और फिर छोटी छोटी दुकानों में उसको रीसेल कर देते हैं, ठीक है। ये होल सेलिंग का काम होता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो एवरी जो बेहाइव जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें क्या होता है, क्वीन बी होती है, यानी कि रानी मधुमक्खी होती है। उसका काम होता है, वो सबसे बड़ी हेड होती है और उसका काम होता है अंडे देने का। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, केवल कुछ ही मेल बीज होती हैं एक छत्ते में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, जो सबसे ज्यादा काम होता है वो वर्कर बीज का होता है, जो काम करती है मधुमक्खियाँ उनको वर्कर बीज बोलते हैं। देयर बीज वर्क ऑल डे, और उनका दिन भर का काम होता है, पूरे दिन वो काम करती हैं। दे मेक्स द हाइव एंड आल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, वो क्या करती हैं, उनका काम ही होता है, वो छत्ते को भी बनाती हैं अपने बी हाइव को पहले बनाती हैं और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी केयर करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, वही फूलों का रस लेने जाती हैं, उड़कर मतलब चारों तरफ उड़ती हैं और वही फ्लावर्स में नेक्टर कलेक्ट करती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, जिससे हनी बनता है, ठीक है। फ्रॉम व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर, अगर किसी एक बी को फ्लावर में नेक्टर मिल जाता है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, तो वो एक तरह से आवाज करती है या कहते हैं कि डांस करती है, बाई विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, इससे कि दूसरी मधुमक्खियां पहचान जाती हैं कि इस तरह फ्लावर्स नेक्टर मिलेगा, तो बाकी बाकी की भी जो बीज होती है वो उनके पीछे चली जाती हैं, ठीक है। द वर्कर्स बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, जो वर्कर बीज होती हैं बहुत ज़्यादा उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विदाउट वर्कर्स बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर्स कलेक्शन, अगर अगर ये वर्कर बीज नहीं होंगी तो क्या होगा, ना तो कोई हाइव बनाएगा यानी कि छत्ता बनाएगा और ना ही कोई नेक्टर कलेक्शन करेगा, यानी कोई फूलों का रस को कलेक्ट नहीं करेगा, ये काम पूरा इनका होता है वर्कर्स बीज का। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, और क्या होगा, सभी फिर जितनी भी होंगी वो भूखी रह जाएंगी अगर उनको अगर वर्कर्स बीज नहीं होंगे। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, जो जो मेल मेल होते हैं, मेल बीज होते हैं, उनका कोई कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों को अब हम लिख कर आपको बताएंगे कि किसके रोल में आता है।
काम होता है, मेक द बी हाइव, कलेक्टिंग द नेक्टर, टेक केयर ऑफ बेबी बीज, टेक केयर ऑफ देयर बेबी। अंडे देने का काम क्वीन का, क्वीन की सबसे मेन होता है वर्कर बीज का काम। Bye, ma'am. Okay, take care.